नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम आलू की लहसुन वाली भुजिया बनाएंगे। ज्यादातर तो बिहार में आलू की सरसों वाली भुजिया बनाई जाती है, लेकिन लहसुन वाली भुजिया का एक अपना अलग ही मजा है। तो समय को बिना बर्बाद किए हुए आइए इस लहसुन वाली भुजिया को बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। आलू भुजिया की इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज का आलू लिया है। आलू को मैंने छील के पानी में डाल लिया है। अब हम एक आलू लेंगे और आलू को इस प्रकार से 20 से 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब हम आधे कटे आलू को भी 20 से एक और हिस्से में काट लेंगे। ये आपके आलू पे डिपेंड करता है। अगर आपका आलू ज़्यादा बड़ा है तो 2 की जगह आप इसे 3 हिस्सों में काट लीजिए। अब हम आलू को इस प्रकार से लंबे आकार में काट लेंगे। यहाँ पे मैंने आलू को लंबे आकार में काटा है, जैसे कि फ्रेंच फ्राई होते हैं। ये देखिए, मैंने आलू को काट लिया है। अब हम कटे हुए आलू को पानी में डाल देंगे और डाल के इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे जो आलू का एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा और हमारे जो आलू हैं वो काले भी नहीं पड़ेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम आलू को 2-3 बार पानी से वॉश कर लेंगे। अब हम इसे बनाने के लिए चलते हैं। भुजिया को बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। रिफाइंड की जगह आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तेल को हम पैन में चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें 2 मिर्ची को तोड़ के डाल देंगे। यहाँ पे मैंने मिर्ची को थोड़ा बड़े आकार में तोड़ के डाला है। मिर्ची हमारा हल्का सा भुन गया है। अब हम इसमें कटा हुआ आलू डाल देंगे, जो हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। आलू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम आंच पे इसे बिना ढके 1 मिनट तक पका लेंगे। वैसे तो जब हम सरसों वाली भुजिया बनाते हैं तो उसमें हम लाल मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें मैंने हरी मिर्ची का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हम जो ये लहसुन वाली भुजिया बना रहे हैं, इसमें जो हरी मिर्ची का टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। 1 मिनट तक आलू को मैंने पका लिया है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के 2 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, तो आइए आलू को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आलू हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हल्का सा सुनहरा कलर भी आने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच हल्दी डाला है। 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें नमक डाल देंगे, या नमक आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि हमने इसमें हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं भुजिया को थोड़ा सा तीखा और चटपटा बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप इस भुजिया को स्पेशली बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें लाल मिर्ची पाउडर ना डालें। 1/2 चम्मच जीरा का पाउडर डाल देंगे। भुजिया में इन सब मसालों का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, यकीन मानिए, आप भी ट्राई करिएगा। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप घर में पिसे हुए लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करिएगा, यकीनन आपकी भुजिया बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। क्योंकि अगर आप मार्केट के पिसे हुए लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो भुजिया में वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। बिहार के कई जगहों पे इसी प्रकार से भुजिया बनाई जाती है और इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे, या इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे आलू अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं, यानी कि पक ना जाएं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो आइए अब हम भुजिया को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आलू हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हमें क्या करना है कि आलू को हमें क्रिस्पी करना है, क्योंकि भुजिया थोड़ी सी क्रिस्पी ही अच्छी लगती है। तो गैस का आंच हम तेज कर देंगे ताकि हमारी भुजिया अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। थोड़ी ही देर बाद देखेंगे कि आलू हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और हल्के से लाल भी हो गए हैं। हमारी आलू की लहसुन वाली भुजिया बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल या प्लेट में निकाल के गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इस भुजिया को रोटी, पराठे, पूड़ी या इस भुजिया को आप दाल चावल के साथ खाइए।
इसका स्वाद सभी के साथ बहुत ही अच्छा आता है। भुजिया की इस रेसिपी को आप भी एक बार बनाएं। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं वो मेरे उत्साह को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से आप मेरे उत्साह को बढ़ाते रहिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट मेरे साथ शेयर करते रहिए। मेरी वीडियोज़ को और भी ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।